देखिए, जैसे कि अभी के समय में अगर हम लोग बात करें तो विद्यार्थी में एकाग्रता नहीं है, क्या नहीं है? एकाग्रता हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पुराने समय में अगर ऋषि मुनि की बात करें तो वो मतलब कुछ गुण बताए हैं विद्यार्थी को जूझने की, विद्यार्थी अगर चले तो अपने जीवन शैली को बेहतर बना सकता है। उन्होंने पुराने समय के जो ऋषि मुनि है वे षष्ठ लक्षण बनाए, काक चेष्टा बको दयाराम अल्पा हरे स्वान निंद्रा गृहस्थ आगे विद्यार्थी जो षष्ठ लक्षणम, मतलब विद्यार्थी के पास छह प्रकार के लक्षण होना ही चाहिए अगर उसे अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ना है। आए बस समझ में, सफलता को प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? सफलता। तो उसे छह प्रकार का लक्षण को पता होना चाहिए। काक चेष्टा, काक चेष्टा का मतलब होता है कौवा के जैसा चंचलतापन, किसका जैसा? कौवा के जैसा चंचलतापन। समझ में, ये बोलने वाली बात नहीं है, इसको जीवन में अपनाना है। हल्का सा हाथ दिखाई कौवा कैसे भाग जाता है कि नहीं? और वो काला रहता है काला, लेकिन कितना क्लीननेस, कितना सफाई के साथ रहता है। काक ज्येष्ठा बको ध्यानम, बको ध्यानम का मतलब होता है बगुले के जैसा ध्यान, ठीक है। जब उसे मतलब किसी चीज को पाना हो, जैसे मछली को वह पकड़ना चाह रहा है तो अपने एक पांव को क्या करता है, जमीन में लगा देता है, नहीं लगाता है तो उसका ध्यान देखिए, उतना पानी भी रहता है, लहर भी रहता है, लेकिन वो अपना पैर हटाता नहीं है। अब मछली को लगता है वो क्या है, वो लकड़ी है। आए बस समझ में, काक चेष्टा बको ध्यान, दो समझ में आ गया, ध्यान कॉन्सेंट्रेशन, एक समय में एक चीज पे फोकस। आपको इतना पढ़ना है समझिए, इतना नहीं पढ़ना, आपको एक टॉपिक पढ़ना है। जैसे आज पार्लियामेंट समाप्त हो गया, लोकसभा राज्यसभा समाप्त हो गया, तो किसी एक टॉपिक पे फोकस करना है, समझ में आई मेरी बात? उसके बाद सेकेंड स्तर पे काक चेष्टा बको ध्यान अल्पाहारी, अल्पाहारी का मतलब होता है कम खाना, कम खाना, क्या खाना? कम खाना, क्योंकि जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन, है बस समझ में। तो कम खाना है, कम खाइएगा तो सही से एक्टिव हो पाइएगा, पानी को ज्यादा पीना है। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी, उसके बाद होता है गृह त्यागी, उसको गृह नहीं बोला जाता है, उसको बोलता है गृहस्थ त्यागी। गृहस्थ त्यागी का मतलब यह नहीं होता है तुम अपना घर छोड़ करके भाग जाओ हिमालय में, बहुत डिफिनेशन ही गलत देते हैं। गृहस्थ त्यागी का मतलब होता है तुम घर में ही रहो, अगर बाहर जाने में सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे पास तो तुम घर में ही रहो, लेकिन घर के परिवेश से दूर रहो, मतलब आसपास के परिवेश से दूर रहो, अभी घर के उतने मामलों में इंटरफेयर मत करो। घर में जो भी बात हो रहा है, चल रहा है, उस पर तुम्हारा माइंड नहीं जाना चाहिए, ध्यान होना चाहिए आप लोगों का। तो हमें क्या कल मिला था क्लास में, उसके प्रति जागरूकता के प्रति, आई बात समझ में? गृह त्यागी। अब पंचम में क्या है, स्वान निंद्रा, मतलब सोने का जो शैली होना चाहिए वो एक स्वान के भांति, यानी कि कुत्ते के भांति होना चाहिए। इसके भांति कुत्ते के भांति, कुत्ता हल्का सा आवाज सुन करके, चंचलता सुन करके, मतलब कैसे जाग जाता है, नहीं जागता है तो उसके पास आकर क्या है, स्वान निंद्रा, मतलब कि शयन शक्ति जो है बहुत एक्टिव है, ऐसा नहीं कि सो है तो सो ही रहे। तो बोलिए काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी स्वान निंद्रा, ठीक है। और एक और लक्षण है, वो लक्षण क्या है, त्याग का लक्षण। त्याग का लक्षण करने का मतलब उन सभी चीज को त्याग दो जो तुम्हारे जीवन में अड़चन बना हुआ है। जैसे बहुतों को मोबाइल चलाने का शौक है, वो पांच पांच छह छह दस दस घंटा चलाता है, तो जो छह घंटा मोबाइल चलाएगा बोलिए उसका दिमाग रहेगा वास्तविकता में, कितना कचरा भर जाएगा उसके माइंड में, ठीक है। इसीलिए त्याग का, त्यागने के लिए बोला गया बहुत सारी चीज को, है ना। फालतू में यहां वहां जाने से बचने के लिए कहा गया, क्योंकि बिना त्याग, बिना कुछ खोए हुए आपको बहुत कुछ नहीं मिल सकता।
बहुत चीज को छोड़ना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। आई बस समझ में, एक छोटा सा कहानी से बात करते हैं, त्यागना का मतलब और छोड़ना का मतलब क्या होता है। जिसको भी सफलता की ओर चलना है, ऊपर जाना है, उसे कुछ कुछ चीज का त्याग करना पड़ता है। क्या चीज का? जैसे कि अगर हम लोग बात करें, आप लोग ट्रेन में कभी गए हैं? गए कि नहीं गए हैं? जी सर। ठीक है, बस में गए हैं? जी। टोटो में बैठ के गए हैं? जी। वजन लेके जाते हैं कि बैग लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यस या नो? यस सर। तो क्या वहाँ का जो कंडक्टर है वो पूछता है कि कितना किलो लेके जा रहे हो? क्या पूछता है? नहीं, आराम से जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग अगर एयरपोर्ट जाते हैं, एरोप्लेन से उड़ते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, तो वहां पे आपका जांच होता है, कई किलो लेकर के जा रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि नीचे चलने के लिए वजन की आवश्यकता नहीं होती है, कितना भी वजन ढो लो चलेगा तो एक समान चलेगा। लेकिन ऊपर उड़ने के लिए वजन होना अत्यंत आवश्यक है, उसको कम किया जाता है, अधिक अगर चाहिए तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जो व्यक्ति ऊंचाई पे जाना चाहता है, जो व्यक्ति सफलता की राह में चलने के लिए जानता है, मतलब उसमें चढ़ना जानता है, सीढ़ियों से वो चढ़ रहा है ऊपर सफलता की ओर, उसे बहुत सारी चीज को छोड़ना पड़ेगा, उसे इग्नोर करना पड़ेगा। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहा है, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहा है, लोग हमारे बारे में क्या टिप्पणी कर रहा है, उसने हमें ऐसा क्यों बोल दिया, सोहन ने हमें ऐसा क्यों बोल दिया, गोलू ने हमें ऐसा क्यों कह दिया, गोलू कल हमसे बात नहीं किया था, गो टू हेल, भार में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? ये सब सिंसियर ये सब बात को अपना जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है, किसी के बोलने चालने, किसी के हमारे बारे में कुछ कहने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए। जो सक्सेस की राह पर चलता है वो छोटे छोटे चीजों को, माइंड को क्या करता है, इन सब चीज को इग्नोर करता है। ठीक है, और कोई अगर कुछ बात बोल दिया तो उसको तत्काल मतलब माइंड से हटा देना चाहिए, दिल में गांठ करके नहीं रखना चाहिए। याद करो 2013 में तुमने हमें क्या बोला था अमन, आज भी मेरा यहां कलेजा में है, दफन है। तो जो इतना बात को लेके ढोएगा तो उसका कलेजा अभी तक कलेजे रहेगा, ये कलेजा में बड़ा सा पहाड़ बन गया होगा, बताइए क्या वो आगे बढ़ पाएगा वो व्यक्ति जो दूसरा के प्रत्येक बात को अपना माइंड में लेगा। ये एक बहुत सुंदर मशीन है एक तरह से कहा जाए तो। ठीक है, सब चीज को इग्नोर कीजिए, आपको जो चीज अच्छा लगता है वही चीज में ध्यान एकाग्रचित कीजिए, एकाग्र मतलब कि एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना। गोलू कोई समस्या? नहीं सर, सुन रहा। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जब तक आप जीवन में अपनाइएगा नहीं तब तक होगा ही। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं, तब तक